Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum friends, how are you? You are watching TS Knowledge TV channel. Welcome to my YouTube channel. Dosto, hamare channel TS Knowledge TV ki janib se apne tamam muazziz nazreen, samin karam, kisan bhai aur mushi pal doston ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Friends, aaj is video ke sath hum hazir hue iska unwan hai ki aap apne janwaron ka, gaay aur bhainson ka apne ghar par mufti bilkul paison ke ilawa free mein हमल कैसे चेक कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जानवर गबन है या नहीं है। दोस्तों, कुछ जानवर के साइंस भी होते हैं और एक छोटा सा टेस्ट होता है देसी तरीके से। ये हमने वीडियो पहले भी अपलोड की थी, काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि आप इनके हमें सैंपल दिखा दें कि ये अमल करना कैसे है, तो उसमें हमने खाली बताया था कि आप ये करें। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये अमल कैसे करना है। अगर आपका जानवर गब्बन है तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी, और अगर गब्बन नहीं है तो फिर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। फ्रेंड्स, करना आपको क्या है पहले तरीका सुन लें, फिर आपको दिखाते हैं। इसका तरीका ये है कि जब आप सुबह सवेरे उठें, जानवर आपका खाली पेट हो, ठीक है, आपने जानवर का पेशाब ले लेना है जब जानवर को 2 माह पूरे हो गए हों, ठीक है। इसका पेशाब आपने किसी साफ बर्तन में ले लेना है, और इसमें आपने सरसों का तेल के ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। ड्रॉप्स ऐसे छोटे छोटे कतरे आप डालेंगे। अगर पेशाब में तेल के अंडे की जर्दी की तरह टिक्कियाँ बन जाएँ, टिक्की बन जाए एक ही, तो आप समझ जाएँ कि आपकी गाय, भैंस या बकरी भी आप चेक कर सकते हैं। बकरी पर हमने नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं शायद हो, तो वो गब्बन है। और अगर तेल फैल जाए तो वो गब्बन नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ये तरीका पहले भी आजमाया, उन्होंने हमारे साथ रिजल्ट्स शेयर भी किए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि आपने कैसे करना है, और ये रिज़ल्ट इसका कैसे आएगा, और वो कैसी पिक्चर्स भी आपको बता देते हैं, थोड़ी सी वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये तरीका अभी आप खुद देख लें। फ्रेंड्स, करना क्या है कि आपने किसी साफ बर्तन में गाय या भैंस का खाली पेट सुबह सवेरे छोटा वाशरूम यानी पेशाब ले लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह जो सरसों का आयल है उसके ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। जब आप एक कतरा डालेंगे उसके ऊपर, आप दूसरा कतरा उसके ऊपर ही डाल सकते हैं। जैसा कि आपको ये शक्ल में अपना वीडियो में नज़र भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जो सरसों का आयल है उसके छोटे छोटे आप इस बर्तन में ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। ड्रॉप्स डालने के बाद आपने थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, 1-2 मिनट आप वेट करेंगे। अगर तो ये जो आयल है ये फैल जाता है ऐसे, इसकी ये मतलब इकट्ठा नहीं होता। अगर जानवर गब्बन है तो ये सारी चीज़ें मिल के, ये सारे जो ड्रॉप्स आप डालेंगे ये मिल के एक ही ड्रॉप बन जाएगा। नीचे एक जैसे ये 1 रुपये वाला सिक्का होता है, इस तरह का एक सिक्का बन जाएगा। अगर आपका जानवर गब्बन नहीं है तो ये सिक्का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपको आप देख रहे हैं अपना वीडियो में भी। फ्रेंड्स, अगर तो आपके ड्रॉप्स डालने के बाद सरसों के आयल के ये शक्ल आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है वीडियो में, अगर तो ये चीज़ आ जाती है तो फिर तो आपका जानवर आपको मुबारक हो, आपका जानवर गबन है, ठीक है। इसको अगर आप हिलाएंगे भी थोड़ा सा तो फिर भी यही सेम शक्ल बन जाएगी, फिर आपका जानवर गबन है। और अगर इसके अलावा ये शक्ल आती है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, अगर तो ये सिस्टम, और अगर इस तरह का कुछ आपके सामने आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये देखें, ये टिक्की नहीं बनी, तो ये फिर आपका जानवर खाली है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों ने इसका तजर्बा किया, उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए हैं। आप भी अपना तजर्बा करके हमसे रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये मैंने दोनों पिक्चर जो है उनको इकट्ठा किया है, आपको नज़र आ रही हैं दोनों। अगर आपका गब्बन जानवर है तो ये वाली टिक्की वाली पिक्चर हो, और अगर जानवर गब्बन नहीं है तो फिर उसकी ये जो आपको साथ वाली पिक्चर आ रही है, ये ऐसा सीन होगा, इसमें सरसों का आयल जो है वो फैल चुका होगा, वो फैल जाएगा, उसकी ये 1 रुपये की तरह या ये ठीपा सा बनता है या गोल दायरा उसका नहीं बनेगा। तो कुछ एक्सपर्ट लोग ये भी कहते हैं कि अगर आयल जो है वो मिले, जो गब्बन जानवर नहीं होता मतलब खाली होता है, उसमें आप जो आयल के ड्रॉप्स डालेंगे वो सिंगल सिंगल होके एक एक होके साइडों पे चले जाएंगे, ठीक है, वो इकट्ठे नहीं होंगे। और जो गब्बन होगा उसका जो आपने कतरे डालने हैं वो जहाँ पे गिरेंगे वो 1 रुपये की तरह फैल जाएंगे, वो साथ में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपने ये जो टेस्ट हमने आपको बताया ये करके रिजल्ट्स हमारे साथ आपने शेयर करने हैं, या आपने नाज़रीन को बताना है। काफ़ी लोगों ने पहले किया भी है, और आज हमने कहा कि थोड़ा आपको डिटेल में बता दें, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये करना कैसे है, तो इसलिए फिर हम ये दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।